नमस्कार। दिन भर की मुख्य खबरों के साथ न्यूज रूम से हाजिर हूं मैं घनश्याम कृष्णा और हमारे साथ है वीरू गोस्वामी। स्वागत है आपका एनसी न्यूज में। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पूरे प्रदेश में अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर लॉकडाउन के चलते श्रद्धालुओं ने की घर पर ही पूजा अर्चना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद औरैया न्यायालय हुआ 3 मई तक पूरी तरह बंद। औरैया के कुदरकोट ने 24 अप्रैल को रिटायर्ड हेड कॉन्स्टेबल की हत्या में आरोपी दोनों पुत्रों को असलाह सहित किया गिरफ्तार। इटावा के निवाड़ी कला कस्बे में स्टेट बैंक शाखा न होने से ग्रामीण हो रहे परेशान। लॉकडाउन के चलते आबकारी विभाग ने चलाया अवैध शराब के खिलाफ छापामारी अभियान। औरैया के फफून, खानपुर, अजीतमल व रसूलपुर में विभाग ने बढ़ाई सक्रियता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अछलदा के सदस्यों ने किया कोरोना वॉरियर्स का सम्मान समारोह। भगवान परशुराम की जयंती पर इटावा व औरैया में श्रद्धालुओं ने घी के दीपक जलाकर की पूजा अर्चना। अछलदा कस्बे के व्यापारी गोविंद पोरवाल की दुकान से 40,000 रुपए गायब होने की सूचना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आरोग्य सेतु ऐप अपलोड कराने के अभियान में तेजी लाने के दिए दिशा निर्देश। वहीं विशेष खबर है लॉकडाउन के चलते विशेषज्ञ मान रहे हैं वातावरण हो रहा है शुद्ध, पशु पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है आसमान। तो ये थी अब तक की मुख्य सुर्खियाँ। खबरों की श्रृंखलाओं के साथ न्यूज टीम को दें इजाजत और देखते रहे एनसी न्यूज़।